लोकसभा चुनाव से पहले सपा और बसपा के सीटों के बंटवारे के बाद गठबंधन की चर्चाएं तेज हो गई हैं। वहीं सपा से अलग होने के बाद नई पार्टी बनाने वाले शिवपाल यादव की पार्टी की ओर से एक बयान सामने आया है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया और कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव में गठबंधन कर सकती है। शिवपाल यादव की पार्टी के प्रवक्ता सीपी राय ने एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि रायबरेली और अमेठी से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से कोई कैंडिडेट नहीं उतारा जाएगा, जिसके बाद से दोनों पार्टियों के गठबंधन के आकलन लगाए जा रहे हैं। लखनऊ से प्रशांत मिश्रा, ईटीवी।